दिलचस्प ये है कि साउथ का हर एक्टर अपनी फिल्मों के जरिए अपनी एक पैन इंडिया पहचान बनाना चाहता है और इसी रेस में साउथ का एक और बड़ा सुपरस्टार अपनी जबरदस्त पैन इंडिया मूवी को लेकर आ रहा है और इस सुपरस्टार का नाम है ध्रुवा सरजा। ध्रुवा सरजा की मार्टिन फिल्म को लेकर लोगों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है, क्योंकि जब से लोगों ने इस फिल्म का टीजर देखा है उसको देखने के बाद तो लोग कह रहे हैं ये फिल्म केजीएफ फिल्म के बाद कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है जो बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ देगी। और फिल्म के टीजर को देखकर लग भी ऐसा रहा है, क्योंकि फिल्म हमें काफी जबरदस्त एक्शन और जबरदस्त फिल्म की स्टोरी देखने को मिली है। जब से फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है तब से सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही फिल्म का नाम है और वो है मार्टिन। इस फिल्म के लिए लोगों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है, क्योंकि फिल्म में हमें पाकिस्तान के साथ कनेक्शन देखने को मिलने वाला है और जो कि काफी एक्शन से भरा होने वाला है, इसलिए सभी लोग इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में हमें साउथ के कई बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म में हमें लीड रोल में साउथ के सुपरस्टार ध्रुवा सरजा ही देखने को मिलेंगे और इनके साथ साउथ के बड़े विलन कहे जाने वाले नवाब शाह देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें फिल्म में हीरोइन की, तो फिल्म में हमें साउथ की दो बड़ी एक्ट्रेस देखने को मिलने वाली है, पहली तो वैभवी शांडिल्य और दूसरी अन्वेषी जैन। वहीं बात करें फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को साउथ के जाने माने डायरेक्टरों में से एक केपी अर्जुन के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है। इसकी शूटिंग का लगभग कम्प्लीट काम हो चुका है और अगले एक दो महीनों में फिल्म की शूटिंग का बाकी काम भी पूरा हो जाएगा। और अब बहुत ही जल्द फिल्म का सेकंड टीजर देखने को मिलने वाला है और सेकंड टीजर के कुछ ही दिनों के बाद फिल्म का ट्रेलर भी दिख जाएगा। मेकर्स की तरफ से अभी फिल्म के रिलीज होने की अनाउंसमेंट नहीं की गई, पर कहा जा रहा है कि इस फिल्म को 2023 में रिलीज किया जाना है और 2023 साल आधे से ज्यादा हो चुका है। अभी फिल्म का सेकंड टीजर देखने को मिल जाएगा, इसके बाद फिल्म के रिलीज डेट की भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। और खबर आ रही है कि मार्टिन फिल्म इसी साल दिवाली के मौके पर देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी ये खबर फाइनल नहीं है। बात करें फिल्म के बजट की, तो मार्टिन फिल्म का बजट 70 करोड़ का है। अब इतने बजट के साथ ये फिल्म कनाडा फिल्म इंडस्ट्री की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है और इस फिल्म को लेकर भी लोगों में केजीएफ फिल्म की तरह हाइप बनी हुई है, क्योंकि फिल्म में हमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। मार्टिन फिल्म को लेकर लोगों में ऐसी हाइप बनी हुई है कि उसको देखकर लग रहा है कि फिल्म बड़ी आसानी से बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाई करेगी। और जैसा कि हमने आपको बताया, इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया जाना है। इसके बाद ध्रुवा सरजा भी दूसरे कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के पैन इंडिया सुपरस्टार बन जाएंगे। बस कुछ ही दिनों का इंतजार और इसके बाद ये फिल्म का सेकंड टीजर आएगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि मार्टिन फिल्म हमें कब तक देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।